समाजवादी पार्टी बलिया सदस्यता अभियान विगत कई दिनों से शुरू है, लेकिन आज कुछ विशेष है क्योंकि आज आप होर्डिंग देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के सदस्यता ग्रहण करें। यहाँ पे राजू राय भी मौजूद हैं, पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी भी हैं, पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह भी हैं, जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव हैं और पूर्व चेयरमैन लक्ष्मण गुप्ता भी हैं। अंदर एक आवश्यक मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में आप देख सकते हैं कि सदस्यता अभियान की शुरुआत भी हो रही है, हालांकि बहुत पहले से हो चुकी है, लेकिन जो जो नए सदस्य बने हैं उनको पर्ची दी जा रही है। उसके अलावा आज जो मीटिंग हुआ उसमें अंदर आप समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और छात्र नेता और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। और आपने, मैंने फिर बार बार मैं कहता हूँ कि आपने देखा कि जिस तरीके से एक मामला सामने ये है कि छात्र नेता धनंजय सिंह बिशेन का जो मामला है उसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आज जिला अधिकारी को पत्रक दिया है। पत्रक में क्या है वो सीधा ही है कि कोतवाल ने जिस तरीके से छात्र नेता धनंजय सिंह बिशेन जो समाजवादी पार्टी के नेता है उनके साथ प्रतिनिधि उन्होंने किया है, जिसको लेकर आज वो पत्रक भी दिए हैं और उन्होंने पत्रक के माध्यम से ये मांग की है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कोतवाल पर कार्रवाई होनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी कार्यालय में इन दिनों देखा जा रहा है निकाय चुनाव को लेकर भी एक बड़ा तैयारी चल रही है, आवश्यक बैठकें भी चल रही हैं। कल भी बैठक थी, उसमें पूर्व मंत्री नारद राय भी थे। बैठक के माध्यम से ये देखा जा रहा है कि निकाय चुनाव में बेस्ट प्रत्याशी कौन होगा। अंदर आप देख सकते हैं जिस तरीके से, फिर मैं एक बार कहता हूँ कि अंदर जिस तरीके से भीड़ है ये लग रहा है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव और उसके पहले निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह से मूड एक्शन में है कि वो आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके और नगर निकायों के चुनाव में बेहतर सीट हासिल करने के प्रयास में है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।